लोग जैकेट खरीदने निकले थे और छतरी खरीदने का मौसम आ चुका है। ये लो खाना आपका आ गया है गरम गरम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के 9 बज चुके हैं, एकदम मैं कंप्लीट हो चुका हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं मतलब ऑफिस जा रहा हूँ, और पता आज मतलब रात को जो बारिश आई ना, उससे सारा माहौल ख़राब कर दिया था। हुआ ये सीन की मतलब कि सबसे बड़ी बात तो ये कि आज कार्तिक पूर्णिमा थी, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पता आपको सभी लोग सुबह 5 बजे नहाने जाते हैं, और ऊपर से बारिश हुई और पूरा से पूरा ठंडे से ठंडा माहौल कर दिया चारों तरफ। चलो ये तो होता रहेगा, फिलहाल अभी हम हैं तैयार और मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे नीचे एक पार्सल आया है मेरे नाम का, तो उसको पहले करते हैं अपन अनबॉक्सिंग। इसमें आया क्या है पता, कई बार ये होता है कि बिट्टू के फ्रेंड्स भी मेरे नाम से जो पार्सल आ जाते हैं, मैंने भी कुछ चीज़ें मंगा रखी सरप्राइज वाली चीज़ें, तो वो भी नीचे आ सकती हैं। फिलहाल अभी चलते हैं, अभी टाइम ख़राब नहीं करना, क्योंकि पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी है, ऑफिस जाना है, वापस आना है। सभी चलते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग। संगीता, अरे घर के बाहर पानी आया, बारिश से अंदर भी आ गया क्या? अंदर भी पानी आ चुका है। एडमिनिंग पे जो खिड़की है, अपने विंडो है, इसमें से पता नहीं कहाँ से पानी निकल के आ चुका है और ये रूम में भर चुका है बिल्कुल। मैं इसको वाइपर से मैं साफ कर रही हूँ। ये देखिए संगीता, पूरे घर में जो पानी आ गया उसको साफ करिए। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ संगीता, वो चले नीचे, वो पार्सल फिर खोलते हैं। अब पता नहीं किस किस के नाम से तो पार्सल आते हैं अपने। चलो चलते नीचे देखते। ये रहा पार्सल, आज इसको लेते हैं बाहर और करते हैं अनबॉक्सिंग। फाइनली ये पार्सल है हमारा, इसको खोल के देखते हैं एक्चुअली में इसमें क्या है, खोलने के बाद ही पता चलेगा। आधे बंद, पहले इसको खोलते हैं सबसे पहले। तो चलो खोलते हैं। फाइनली आ चुकी है ये मशीन, ये हम लोगों को काफी इंतजार था। ये देखिए आप, तो ये आ गई है मशीन, बहुत खुश हूँ मैं तो, क्योंकि अब हमें पोछे लगाने नहीं पड़ेंगे एक्चुअली में। ये तो ये है हमारा रोबोट, ये लगाएगा पोछे आज के बाद। तो फटाफट देखते, ये तो इसकी यूजर मैनुअल है, और ये देखिए इसके पीछे ये टायर लगे हुए हैं और ये ब्रशेज भी लगे हुए हैं, और मतलब कि पिछली बार हम दिखा नहीं पाए थे। वैसे अब ये ऐसे रखेंगे और फिर यूं 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 चलते हुए मतलब कि पूरी मतलब कि घर में सफाई कर देगी। अच्छा आप तो अब उठे ना यार, इसे चला ले और इसे ठीक कर दे। खराब हो गई थी क्या? हाँ अच्छा, अनबॉक्सिंग में खराब हो गई है। अनबॉक्सिंग में कैसे खराब हुई पता नहीं मुझे, तो मुझे भी नहीं पता। संगीता तेरे से ज्यादा ये एक्साइटेड है। तो अब फिलहाल इसको जल्दी से मतलब कि संगीता ने लगा दी है ब्रश, ये ब्रश लगा दिए इधर। हाँ और अब ये जो है इसमें पानी भरा जाता है, इसको खोलते कैसे हैं अभी देखते हैं। संगीता खोल रही है, जितने हम इसे बाकी सामान देखते हैं। ये इसका मतलब चार्जिंग होने का सिस्टम है, जहाँ पे खुद जाके चार्ज होने लग जाती है। इसको भी खोलेंगे और चार्ज होती है इससे। अच्छा वहाँ देख के आया था, और ये भी इसका स्टैंड है जहाँ पे मशीन खड़ी हो जाएगी। ये चार्जर है, और ये कुछ कपड़े हैं। और ये इसका रिमोट आया, साथ में रिमोट कंट्रोलिंग भी, और फोन से कनेक्ट भी हो जाता है। हमारे फोन कंट्रोलिंग भी है और ये रिमोट कंट्रोलिंग भी है, और ये इसके चार्जिंग केबल जिसके हेल्प से ये खुद चार्ज हो जाता है। मतलब वैसे इसमें ऑटो कंट्रोलिंग है, ऑटो कम होने लग रहा है तो ये खुद जाके चार्ज होने लग जाती है, टेस्ला मोटर जैसे। हां ये की हेल्प से तो ये घूमेगी पूरे घर में, एक बार ही चल के पूरा मैप सेट कर लेगी अपने आप में, जो फोन से कनेक्टेड हो जाएगा हमारे। मतलब पूरा ये वर्क करता है, क्योंकि इसमें जैसे ये है, इसमें पानी भरा जाता है एक जगह पे। ये कपड़ा एक्चुअली में ये जो पोछा है, इससे से मतलब इसकी हेल्प से पोछा लगता है एक्चुअली में। ये जब गंदा हो जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली हमें बता देती है कि हाँ ये गंदा हो चुका है, इसको चेंज कीजिए मतलब। और ये मतलब ये वर्क करता है, तो ये वर्क कैसे करेगी ये हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और एक दो क्लिप तो हम आपको बता ही देंगे कि दीपक भैया के घर पर हम देख के आए थे पोछे की मशीन कैसे घूम घूम के काम करती, वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है इसकी और उसकी, तो वैसे ही काम करती है ये भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग में तो हम यही बताएंगे कि, और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे हम काम करते हुए, ठीक है? जितने हम सीख जाएंगे ना, जितने हम सीख जाएंगे पूरे प्रोसेस सीख जाएंगे, फिर ही काम करके आपको बताएंगे। फिलहाल आपने सारी चीजें देख ली थी, और अभी हमारा सीन ये है कि बाहर जो बारिश हुई ना, वो सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं ऑफिस, और जो बाहर मतलब कि एकदम बारिश वाले जो दिन आए हुए हैं, सावन का महीना चल रहा है, आई मीन कार्तिक पूर्णिमा मानिए, और सावन मतलब स्कूल मिला के सावन ही चल रहा है, वैसी फीलिंग आने वाली है। बाय, मैं जा रहा हूँ ना, बाहर जो मौसम है वो जोरदार होने वाला है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है बाय बाय। देखा बाहर मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया, पहुंच गए हम शोरूम पे और बाहर बिल्कुल एकदम गीला गीला सा हो रहा है, और अंदर भी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। सो मतलब कुल मिला के ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग जैकेट खरीदने निकले थे और छतरी खरीदने का मौसम आ चुका है। अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि हम लोग क्या खरीदें।
कुल मिला के सारे पोपट ही पोपट हो रहे हैं। तो देखा हमने अनबॉक्सिंग की थी सुबह, अजीब सी अनबॉक्सिंग, और हम निकल पड़े थे शोरूम के लिए। पता आज मौसम ये हो रहा है कि मतलब कि पूरे दिन अगर जैसे पकौड़ी उकौड़ी चलती रहे और चाय वाय बनती रहे और हम लोग आराम से घर पे चिल मारते रहे, पर हुआ ये कि भी काम पे तो जाना ही पड़ता है, जिम्मेदारी काम, इतने दिन चुनाव में लगे थे, अब जाके हम लोग मतलब कि फ्री हुए तो अब मतलब दुकानदारी की भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। सो पता बार मैं आपको कुछ ऐसा मौसम बताता हूँ ना, इतना गजब का मौसम हो रहा है कि आप खुद देख के लग जाएगा कि हाँ यार सर्दी का दिन शुरू हुए हैं और मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के दिन शुरू हो गए हैं। फिलहाल अभी बाहर का जो मौसम देखते हैं पहले कितना जोरदार लग रहा है। देखा आपने मतलब कि फुल बारिश आ रही है और वाइपर चला के हम सर्दी में गाड़ी चला रहे हैं। सभी चलते हैं, बहुत सारे काम निपटाने हैं, काफ़ी दिन से पेंडिंग है और सारे काम भी निपटाएंगे और फिर चलेंगे घर पे, और घर पे आज कुछ तो कुछ एकदम चमत्कारी कार्य होने वाले हैं, वो भी देखेंगे। फाइनली मैं घर पहुंच गया। अब इट्टू क्या भैया, हां खाना ना खा रहे? हां बाहर तो जोरदार बारिश आ रही है, मौसम एकदम जोरदार है मम्मी आज तो एकदम। हां तू आगे बेटा, भूख लगी होगी ना? और इसको क्या हो रहा है अभी को संगीता? हाँ पता बाहर मौसम देखा तूने? बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम, मतलब बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम, बारिश आई आज दो बार तो एक्चुअली, मैं दिन में भी आई और इतना ठंडा मौसम। पता मेरा मन कर रहा था कि मतलब पकौड़ी उकौड़ी बन जावे तो ठीक रहे, मैंने सोचा था पहले पकौड़ी बनाने की, पर अभी हमने छोटी दिवाली में बनाई थी पकौड़ी तो आज हमने बनाए गरम गरम आलू के पराठे। चलो मेरे को जल्दी रखते यार, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। रखते हो खाना आप? मीठी बात जल्दी जल्दी लेके आना ना, अभी अभी के भी रख देना ना। पराठों का वेट चल रहा है हमें, मतलब कि कब पराठे आएंगे, और मतलब इंतजार हो नहीं रहा है बट पर इंतजार कर रहे हैं। ये लो खाना आपका आ गया है, गरम गरम पराठा। अच्छा तो अभी मैं दिखाता हूँ ये पराठे, पराठे के ऊपर घी, और ये रतालू की सब्जी, ये आलू की सब्जी, और ये पता नहीं किसकी सब्जी, और ये माई फेवरेट मक्का की रोटी। दिखा के बताओ कैसे बना है पराठा वगैरह सब, टेस्ट करो। मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, संगीता तुझसे भी नहीं हो रहा है ना? हाँ हमने तो खा लिया है। आप बताओ आप अभी मैं लेने देता हूँ दो मिनट। सुपर मतलब मैं जो सोचता है वो आ रहा था ना क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तूने पराठे बना के एकदम दिल खुश कर दिया। अच्छा। और पराठे एकदम गजब बने और सारी चीजें गजब है, पर जो आलू के पराठे जो लगे ना वाकई में काफी जोरदार, ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली में पराठे वाली गली में हो हम लोग, और तुम बना के ला रही हो। खाना खा रहा था तब भी भजन सुन रहा था और अब भी भजन सुन रहा है, इसको देखो अब देखो, जय शिव शंभू। ये पहला बच्चा होगा मम्मी जो मतलब भजन सुनता है ना। अच्छा लगता है भजन तुझे? जी अभी ऐसे नहीं करता है, गाना कैसा अच्छा है। ये महादेव के भजन सुनता है और ये देखिए आप फुल फुल मतलब महादेव बना रहता है। नहीं अभी आ गए हम खाना वाना खा के, मतलब आलू के पराठे जो खाए मतलब इतने यम्मी थे, गरम गरम पराठे सर्दी के मौसम में बहुत टेस्टी लगे, यम्मी लगे। नींद आ रही मुझे तो, मतलब ऐसा लग रहा कुछ ज्यादा ही खा लिया हो, जैसे आज मंडे का फास्ट भी था तो ऐसा लगा फास्ट फास्ट में कुछ ज्यादा तो नहीं खा गए। तो ठीक है फ्रेंड्स अब आ गए हम रूम में, और मतलब ये कंबल है, कंबल के अंदर आके बैठ गए हैं क्योंकि इतनी ठंड लग रही है ना, एक्चुअली में पूछो मत, दो दिन से इतनी ठंड पड़ रही है, तो आप भी मतलब सेफ रहिए, मतलब ध्यान रखिए, और बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक ही, मिलते हैं हम हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।